अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो टाइटल और थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया है कि आज की जो वीडियो है वो मोस्ट आप कहना रिक्वेस्टेड थी। जो अरुषा की एज के हैं बच्चे, उनकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही हमारे साथ अरुषा की जितनी भी पेंटिंग कलेक्शन है वो हमारे साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं वो भी शेयर करूंगी। और सबसे बढ़ के एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है कि अरुषा अपनी सारी जो पेंटिंग्स है वो सेल कर रही है। उसने कहा कि चले, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं इनको सेल कर देती हूँ। और इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है वो वीडियो के दरमियान में मैं कहीं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप जल्दी से इस तरह करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज वेट लॉस के लिए एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक। तो चले हम पहले अरुषा की पेंटिंग्स देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज जो है मैं अपनी पेंटिंग्स की कलेक्शन शेयर करने लगी हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे थे मुझसे। हर कोई प्रोफेशनल नहीं होता, हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, मैं भी इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ पेंटिंग में। ये मैंने जो पेंटिंग थी वो पिछले लॉकडाउन में स्टार्ट की थी क्योंकि मैं फारिग थी। मतलब मुझे बचपन से था तो शौक पेंटिंग का, कलरिंग का ज्यादा था, लेकिन फिर मैंने पेंटिंग में अपना इंटरेस्ट लाई। और अभी छुट्टियों में फ्री हूँ सारा से मैं पेंटिंग करती हूँ, वरना सारा दिन बिजी होती हूँ। स्कूल से आकर स्कूल का पढ़ना आता है, फिर मम्मा से शूटिंग में हेल्प करवानी होती है, इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन अभी विंटर हॉलीडेज में ज्यादा टाइम मिला क्योंकि अभी हम बिल्कुल फारिग हैं। और इसमें पता क्या है कि अभी रुषा के पास कोई ऐसा होल्डर या कैनवस बोर्ड जिस तरह एक प्रोफेशनल होती है चीजें वो नहीं है। जिस तरह से शौक था पहले जब ये छोटी थी, ये जिस तरह था, ये होल्डर दिखाओ ना, ये पेंट वाला, पहले इसके पास एक डॉल का था कोई इस तरह की प्लेट, उसी में रुषा मिक्स करके कलर बनाया करती थी। फिर मेरा ख्याल है ये आपने मंगवाया था। हाँ जी, ये मंगवाया था। फिर जिस तरह दराज से अगर कोई चीज पसंद आती है, कोई इस तरह रुषा के पास अगर आप कह रहे हैं कि बहुत कोई प्रोफेशनल सामान हो वो नहीं है, क्योंकि इतना इनके पास टाइम नहीं होता, मैं आपको सच्ची बताऊं। लेकिन जाहिर है इसका शौक है तो वो अपने शौक की वजह से ना वो थोड़ा सा जब उसे टाइम मिलता है वो एक कोने में लेके बैठ जाती है, चाहे वो इसके कमरे का कोई कोना हो चाहे वो किचन का कोई कोना, तो ये लेके जरूर बैठ जाती है। चलिए ऋषा, आप ये बताएं, दिखाएं अपनी सबसे पहली पेंटिंग। सबसे पहली पेंटिंग जो है वो बहुत अजीब है, लेकिन मैंने पहले टाइम हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। और ये भी करके मैंने अपने आप पर बहुत फक्र महसूस किया था, है क्यूट। लेकिन इसमें मैंने सारा पेंसिल से ड्रॉ करके ऊपर सारा पेंट किया हुआ। उसके बाद ये मेरी सेकंड थी। अच्छा, ये कॉटन के साथ ना वो बनाए हुए क्लाउड सारे कॉटन काट के, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी थर्ड थी, मुझे पता नहीं बहुत पसंद है। ये है भी बहुत प्यारी, मतलब इस तरह से मेरी आगे से सारी मैं करती गई थी पेंटिंग्स। कुछ पेंटिंग्स को इग्नोर भी करना, काफी को, हाँ काफी को। उफ, ये बहुत, ये भी बहुत प्यारी है। और ये वाली, बस इसका एक मसला है कि मैंने सारी उल्टी बनाई है। सच से मैं पेंटिंग करती हूँ, वो मैं आपको पेंटिंग्स दिखाने के बाद बताऊंगी। ये काफी अच्छी है। ये क्या? ये मुझे नहीं पता, मैंने प्रिंटर से देखा था। ये मैंने रिश्वा खान से इंस्पायर होकर की थी, उसने की थी पेंटिंग। ये अच्छी है। और ये भी, ये बहुत प्यारी है। और ये तो बहुत ही प्यारी है, बस ये मुझे साइडों पे वाइट वाइट नहीं पसंद। अंदर तुमने बहुत क्लियर बनाए हैं। ये मैंने अल्लाह दिखा था। माशाल्लाह। और ये गंदी हो गई सारी। हाँ, क्योंकि मैंने इसके साइड पे यहाँ पर पेंट्स ट्राई किए थे। हाँ, इतनी अच्छी थी ये, लेकिन ये बहुत नीट थी। चले, ये तो होता है। ये इसके बाद मैंने ली थी। अच्छा, क्या कर रही हो? मैं अपने साइन अरुषा अपने साइन कर रही है। और मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करना था, आप लोग मुझे कह रहे थे कि आप भी हमें वेट लॉस के लिए कोई अच्छा सा ड्रिंक बताते हैं और साथ में हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं, हेयर ग्रोथ के लिए भी ये सिर्फ एक पाउडर है, छोटा सा क्लिप है, आप लोग वो देख लें। उससे पहले मैं आपको साथ ही थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो ट्राइफेला पाउडर है, एक तो ये 100% ऑर्गेनिक है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियां इसे नहीं ले सकते, और सबसे बढ़ के जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो भी इसे यूज ना करें, और जो फीड करवा रही है वो भी बच्चों को यूज ना करें। इसलिए आजकल मैं आपको ये एहतियात बता देती हूँ, फिर आप लोगों के बहुत ज्यादा इस पे कमेंट्स आते हैं। और अगर आप इसके बेस्ट रिजल्ट इस ड्रिंक के चाहते हैं तो आपने इसे खाली पेट लेना है। अभी मैंने, क्योंकि अभी खाना बनाना है, रुषा अभी कह रही थी मामा जल्दी करें, कितनी देर है, आज मैंने चिकन पकौड़ा मंगवाया हुआ है, मैंने कहा चले बच्चे और हम वही खाएंगे, और साथ में इतनी देर के अंदर आप लोग ये देख लें। अच्छा, इसको आपने खाली पेट पीना है तो ज्यादा इफेक्टिव है, वेट लॉस के लिए बहुत बेस्ट है, आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट है, जितने आपके डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, मतलब जिन लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है इसी वजह से उनको हेयर फॉल भी होता है। और साथ में सबसे बढ़ के जो मलाइका आपने भी, बल्कि मलाइका ने भी यूज किया था, तो मलाइका ने मुझे बताया कि इसके अंदर ना ये बॉडी डिटॉक्सीफाई करता है आपकी बॉडी को ना, बहुत ज्यादा मतलब आपके ब्लड को साफ करता है। उससे ये होता है कि आप बड़ा लाइट फील करते हो, आपको इतना हैवी या सर में दर्द या इस तरह टॉक्सिन्स होते हैं ना, ये
रिमूव कर देते हैं। चलिए आप किसे कैसे इसको यूज करना है, आप छोटा सा क्लिप आप वो देख के आए और मैं देखूँ कि रुषा के साइन कितने रहेंगे। आपने हाफ टी स्पून जो है वो ट्रायफेला पाउडर की ले लेनी है, साथ में आपने नीम गर्म पानी लेना है, सुबह और शाम आपने खाली पेट पीना है, यानी कि खाने से पहले और नाश्ते से पहले पी लेना है। पेंटिंग ट्राई की थी पर ये वैसी बनी थी जैसे ट्राई की थी और ये भी काफी अच्छी है। पहले भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, इंशाल्लाह इसको दोबारा रिक्रिएट करूंगी। और ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने तुम्हें दी थी। हाँ जी। और ये भी और ये तो बहुत ही प्यारी, ये तुमने दोबारा बनाई थी ना? नहीं वो तो डिफरेंट था। अच्छा वो डिफरेंट था, दिखाओ, बहुत प्यारी है ये भी, बहुत प्यारी है। कितनी मेहनत लगी हुई, कितना टाइम लगता है तुम्हें अप्रोक्सीमेटली पेंटिंग्स पे? अगर कैनवस की हो तो डेढ़ घंटा ज्यादा से ज्यादा लगता है, लेकिन अगर स्केच इस पे बनानी हो तो 40 मिनट। अच्छा कैनवस से मुश्किल होता है? कैनवस में मुश्किल होता है। वाओ, ये मैं आज खुद पहली दफा देख रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर पेंटिंग्स जो ना साइड पर टेप लगा के हर चीज करती हूँ, ये भी उल्टी है। लेकिन ये बहुत नीट और बहुत प्यारी है। ये क्या? ये मैंने कलर स्कीम बनाई थी, इनमें डिफरेंट कलर्स मिक्स किए थे। इसका उतार दूं? ये उतार दो, ये तुमने कवर करके रखा, ये तो मैं बहुत ही, तुम्हारी बहुत प्यारी है यार। ये मेरी प्यारी तो बहुत है, पर आपको पता ना क्रेयॉन जिस तरह से दूसरी पेंटिंग्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो मैंने इसको किया बस पे दोबारा चढ़ा दूंगी। वाओ, ये मैं इस पेंटिंग पे मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे थे, क्योंकि इस पेंटिंग ये बहुत मुश्किल थी, क्योंकि सारा साइड पे सारा टेप, हर जगह पे जैसे टेप से ही काम था, कटर यूज किया था मामा से छुप के। ये पेंटिंग मैंने रिक्रिएट की थी, मगर आप लोगों को दूसरी दिखा नहीं सकती क्योंकि वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग थी इस पे, लेकिन मैंने बनाई लास्ट पे थी, मुझे आज तक बहुत क्यूट है जी। चलो बस की कैनवस दिखाओ, कैनवस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये मेरी फर्स्ट कैनवस की पेंटिंग है। वाओ, और ये बहुत नीट है, मतलब बहुत ज्यादा तुमने नीट बनाई हुई है। इसके बाद दूसरी जो थी वो मेरी ये थी, ये मुझे अभी नायिका ने कहा था कि तुम बनाओ, ये बहुत प्यारी है। इस पे मैंने ग्रे साइड पे स्काई बनाई है, बहुत मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद मैंने एक और पेंटिंग बनाई थी, पर वो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, ईशा को। और ये इस पे बहुत मेहनत थी, एक तकरीबन 2 दिन या 3 दिन लगे थे इस पेंटिंग में, क्योंकि पहला हर चीज अलग, स्काई अलग। लड़की नजर नहीं आ रही कि लड़की देख रही है, इसमें लड़की ने टॉर्च पकड़ी हुई है। वाओ, ट्राई टू फोकस ऑन दैट। ये जो तीन पेंटिंग्स है ना, ये तीन के तीन कैनवस जो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, ये जो आपको नजर आ रही है इसका साइज 1:1 है, और दराज पे इनका साइज 3:3 आ रहा था, तो मुझे था शायद ये इनसे भी डबल ट्रिपल इतनी इतनी बड़ी होंगी, पर पता नहीं मेरे साथ ये क्या हुआ, पहाड़ निकला चूहा। हाँ, ये मेरी 3 की 3 है। ये थोड़ी सी मेरे से गलत हो गई थी, क्योंकि इसमें मेरे से ब्लंडर ये हुआ था कि मैंने ब्लैक पेंट मार दिया था, और इस मैं उस पेंटिंग में बहुत बड़ा ब्लंडर, मैंने आपको नहीं बताया हुआ, मैं कैमरे में बताऊंगी। इसके बाद मैंने ये बताई थी UFO, ये जो थी मेरी थोड़ी सी खराब हो गई थी, पर मैंने दोबारा सही करके बना ली थी UFO से, हालांकि मैंने यहाँ पे ब्लैक पेंट लगाया। इसके ट्रीज बहुत मजे के बने हुए, ये ट्री कैसे बनाए हुए? ये ट्री मैंने बिल्कुल सूखे ब्रश, आप सूखे ब्रश पे हल्का सा पेंट लगाए, फिर उसको टैप करते आप किस तरह का ट्री बनेगा। और ये मैंने माउंटेन्स के साइड पे पेंट नाइव्स यूज की थी। ये काफी मुश्किल थी। इसके बाद ये इस पेंटिंग का मैं कोई बात हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल भी नीट नहीं, हालांकि मेरी पेंटिंग्स नीट होती है, लेकिन मैंने इन सबको अभी रैप करके रखा हुआ था, क्योंकि मैं रैप करके ना रखू ना तो फिर ये साइड पे ये वाली जो पेंटिंग्स होती है ना, फिर आप इसे खा के ये वाली निशान छोड़ जाती है, जो कि मैंने अभी 2 मिनट के लिए रखा था, और सारी पेंटिंग्स मेरी ऐसी हो, लेकिन इसको अभी नीट कर लूंगी। इसके बाद ब्यूटीफुल, मैंने हमजा से कहा था कि हमजा, और मैं कहता नहीं ये हमजा और ये आप। इसमें भी काफी मेहनत थी, क्योंकि काफी मुश्किल थी। इसके बाद मैंने ये कल बनाई थी, ये बहुत ही नीट बनती है, हालांकि मैंने एलिफेंट को ड्रॉ किया,
हालांकि बाकी पेंटर्स के बाद एक पेज होता है जिसके अंदर से वो लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन मैंने खुद किया और ट्री भी खुद किया। इस पेंटिंग में मेरे साथ एक ये ब्लंडर हुआ था कि मैं जब पेंटिंग कर रही थी तो मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने अपने लिए एक फुल अच्छा सा मग, बहुत अच्छा सा मग, मतलब दूध पत्ती बनाई थी अपने लिए फुल मग भर के, और जैसे ही वो मेरे पास आई पेंटिंग के लिए मैंने साथ रख दी कि मैं आराम से पीऊंगी। मैंने पेंटिंग हाफ की, मेरे पास तीन ब्रशेस थे, एक पे ढेर सारा सा ब्लैक था, एक पे येलो था और एक पे रेड था। वो मैंने चाय बहुत मेहनत से बनाई थी, मैं नीचे देख रही थी, मुझे लगा शायद यहाँ पे पानी पड़ा हुआ था जिसके अंदर मैंने वॉश करना था ब्रशेस को, हालांकि वहां पे चाय पड़ी थी, मैंने सारे ब्रशेस उठा के उस चाय में डाल दी और जब मैंने वो निकाले सारे सारे ब्रशेस पे मलाई लगी हुई थी मुझे इतना गुस्सा आया मैंने दोबारा चाय बनवाई थी। हाँ जी, सारे रुशन ने जिंदगी में पहली बार चाय बना दी थी। अब मैं बस ऐसे दिखाती हूँ, लेकिन एक मेरे से एडवाइस है कैनवस के लिए, किसको हमेशा रैप करके रखिएगा वरना आपके साथ वो ब्लैक पेंट वाला होगा। ये रिंगलाइट हमने ऊपर रखी हुई है ताकि अच्छी लाइट आए। अब अगर पेंटिंग एक्सेसरीज कह लें, पेंटिंग टूल्स कह लें, ये मैं कहाँ से लेती हूँ तो इसका मैं आपको बता दूँ, मैं ज्यादातर ये चीजें दराज से ऑर्डर करती हूँ। जिस तरह से ये पेंटिंग नाइफ्स, पेंट ब्रशेस, ये मेरे ख्याल से 20 थे, अभी बाकी जो है शायद मैंने बाहर धोए हुए हैं, मेरे बाकी मिल नहीं रहे इस वक्त। और ये पेंट्स ये 12 है, ये और इनके साथ ये जो कैनवासेज हैं ये 3 थी। ये जो सारी डील थी ये एक ही सारी डील थी जिसमें ब्रशेस, पेंट नाइफ्स, पेंट्स और कैनवस थी, ये मेरे ख्याल से 2500 की थी और बहुत अच्छी है, ये बहुत रिकमेंडेड थी, क्योंकि अगर यहाँ से सिर्फ अगर सर गोदा से मैंने बुकमार्क में इनकी प्राइस पूछी थी वैसे सिर्फ 700 के थे बुकमार्क पर। और जो पेंट्स का मैं ज़्यादातर जो पेंट्स वो सर गोदा से ही लेती हूँ, पेंट में दराज से इतने ऑर्डर नहीं करती क्योंकि इनकी, लेकिन ये अगर पूरी किट का पूछा था बिल्कुल रिकमेंडेड है। और ये पेंट ब्रशेज जो थे मुझे मामा से गिफ्ट में मिले थे, और साथ शिमर जो है वो भी मैं यहाँ से ही देती हूँ, और साथ मैं मास्किंग टेप यूज करती हूँ, ये बहुत अच्छी होती है जिनसे ये साइड पर बाउंड्री बनी। गूगल से जो मुझे आइडियाज इंस्पायर करते हैं मैं वही बनाती हूँ, क्योंकि अभी मैं इतनी नहीं हूँ कि मैं अपने आइडियाज शेयर करूँ, अपनी चीज करूँ। अगर आप लोग भी, अगर आप लोगों को भी मेरे आइडियाज इंस्पायर करते हैं तो आप लोग भी मेरी पेंटिंग्स बनाते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं कॉपी कैट हूँ या कुछ हूँ। और अब मैं आपको ये पेंटिंग सेंड करने का प्रोसीजर बता दूँ, आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैं अपनी सारी पेंटिंग्स डालूंगी और एक पेंटिंग आपको सिर्फ एक ही दफा मिल सकती है, क्योंकि आपको पता ना वो ओरिजिनल काम होता है, हम दोबारा तो नहीं बना सकते, लेकिन इंशाल्लाह मैं नए नए आइडियाज डालूंगी इस पे। और इनकी जो पेंटिंग्स की प्राइस होगी वो आपको नीचे नजर आ जाएगी, पेंटिंग्स की पिक के नीचे लिखी हुई होगी। अच्छा, प्राइस इसकी काफी रीजनेबल है, आप लोग इजिली से बाय कर सकते हैं, तो आपने अरुषा को जरूर सपोर्ट करना है, आपने जरूर बताना है और इंशाल्लाह जैसे पेंटिंग्स, जैसे पेंटिंग्स पिक में नजर आ रही होंगी, जैसे उनके कलर्स होंगे वैसे इंशाल्लाह वो रियल लाइफ में भी होंगे। अगर छोटी कोई मिस्टेक होगी तो अभी मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से 100% दिया इन पेंटिंग्स में और मेरा भी दिल मान रहा है कि मैं इनको सेल करूँ। सिर्फ इनमें से आपको एक पेंटिंग भी नजर आ गई जो कि मैं नहीं सेल कर रही, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट थी और वो ये है जो कि बहुत प्यारी है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल नहीं बेचना, मैं साइड पे रख रही हूँ। आज आप खाना खाते हैं? मजी पकौड़े आ गए, हमने बताया भी नहीं। मैंने कहा मैं बाल बाल बोटियां खा लूं। मजे किए हैं, बहुत मजे किए, बहुत मजे किए, बहुत ही मजे किए सरगोधा से। वैसे मैं बना भी लेती हूँ आपको पता है, लेकिन मैंने अभी ऑर्डर किए हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा लोग कह रहे थे अभी आपने ये टैब कहाँ से लिया, ये बिल्कुल मैंने लोकल मार्केट से ली थी और मेरा ख्याल है 400-500 की आई थी। अभी अद्धा खे रहा था तो मेरी नजर पड़ी, आज लाइका तुम भी आज खाए। जी जी, चलो हड्डियों को छोड़ दो, ये देखिए अरुषा की हड्डियां, ये लिया है जी मैंने न्यू इलेक्ट्रिक हीटर। अच्छा, इंस्टा पे मैंने इसकी स्टोरी भी लगाई थी और मैंने आप लोगों को बताया भी था, काफी रीजनेबल है और इसके दो हैं, ये फुल पे है, हाई है और यहाँ पे ये लो हो जाएगा। अच्छा नहीं, वो लो था और ये हाई हो गया, इतनी इसकी आप कह रहे ना इंटेंसिटी है कि आपसे बैठा भी नहीं जाता, फटाफट कमरे को गर्म करता है और सबसे बढ़कर इतना लाइट वेट है ना कि जहां पर मर्जी आपने मूव करना हो आप मूव कर सकते हैं, और साथ में बिजली भी इतनी नहीं लेता। प्राइस इसकी आई थिंक 3000 के 3500 है, और ताना ये मतलब कुजी आपको रखता है, और आजकल आपको पता है जिस तरह ठंड बहुत ज़्यादा है और साथ में गैस का, अभी हमजा की भी तबीयत थोड़ी सी नहीं थी ठीक, आज मैं हॉस्पिटल गई हुई थी तो मुझे डॉक्टर यही कह रहे थे कि गैस का इतना आप हीटर जो है ना वो यूज़ मत किया करें, क्योंकि वो बच्चों को पता है एक तो डिहाइड्रेशन भी कर देते हैं और साथ एसिडिटी वगैरह इस तरह के मसाइल भी बनते हैं। तो काफ़ी ये मुझे अच्छा लगा है, लाइट वेट है, बिजली कम लेता है और काफ़ी अच्छा रीज़नेबल भी मिल गया। ये देखें, ये इस तरह स्विंग भी करता है, ठीक है, ये देखें। मुझे सब बचपन में नहीं थे उतने पंखे चारपाइयों के आगे, हम गर्मियों में छत पे जब सोते थे इतने एसी नहीं थे, तो ये इस तरह देखना इसका स्विंग मोड भी है, ठीक है, ये काफ़ी यानी कि अच्छा है। अगर आपके न्यू बॉर्न है तो आप लोग ज़रूर इसे बाय करें।
कल मलाइका अपनी फ्रेंड की सरप्राइज बर्थडे पार्टी पे गई हुई थी, तो उन्होंने हमें दी ये पिनिया कह लें या हलवा उन्होंने बनाया हुआ था, इतना मजे का था, मैंने आधा डब्बा खा लिया। मैंने कहा कि ये जो मैंने ट्राइफेला पाउडर से अपना वजन कम करना है ना, इधर से मैंने इतना बढ़ा लेना है, बहुत ही मजे। अम्मी भी आई हुई थी, मैंने अम्मी को भी टेस्ट करवाई तो अम्मी को भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी, ऋषा का आपने पेज भी जो है वो भी नोट कर लिया है, काफी रीजनेबल प्राइस है, आप लोगों ने जरूर जाना है, जाके वहाँ पे उसको ऋषा को फॉलो करना है, उसे सपोर्ट करना है। अच्छा, और रात को सोने से पहले जिन लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही हमें रात को नींद नहीं आती, हमें कोई रेमेडी बता दें, तो आप लोगों ने यूज करना है डीप स्लीप पिलो मिस्ट, ठीक है। ये इस तरह सिंपल आपने क्या करना है, इसको आपने सिंपल आपका जो फैब्रिक पिलो होता है ना उसके ऊपर आपने इसे इस तरह स्प्रे करना है। जिन लोगों को रात को बहुत ज्यादा दिमाग चलता रहता है या वो जागते रहते हैं या सोए में भी जिनका दिमाग चलता है मेरी तरह, वो इसको करेंगे, थोड़ी देर इसे ड्राई होने देना है, वेट करना है, तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला पुरसकून नींद आ जाएगी। बाकी कोशिश किया करेंगे जितनी भी तस्बीहात हैं वो पढ़ के सोया करें, चारों कुल पढ़ के मत सोया करें, तो इससे भी आपकी जो नींद है ना वो आपको काफी पुरसकून आ जाती है। आयतुल कुर्सी तो बिल्कुल पढ़ना ना भूला करें। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इन तमाम प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपने 10 राश्ता लिखना है तो आपको 10% जो है वो डिस्काउंट में मिलेगा। होप्स हो कि आज की वीडियो भी काफी यूजफुल रही होगी, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।